हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको पीरियड्स के दर्द में आराम पाने के कुछ घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पीरियड्स को महावारी और मासिक धर्म भी कहते हैं। यह एक ऐसी पीरियड साइकिल होती है जिसमें गर्भ बनने वाले अंडे फर्टिलाइज ना होने की वजह से वजाइना से बाहर निकलते हैं। पीरियड्स के दौरान दर्द होना एक आम बात है, लेकिन कभी कभी पीरियड्स में कमर और पेट में तेज दर्द होने लगता है, जो कई महिलाओं और लड़कियों के लिए असहनीय दर्द बन जाता है। पीरियड्स के दौरान सिर दर्द, कमजोरी महसूस होना और चक्कर आने जैसी समस्याएं भी होती हैं। अगर आपको भी पीरियड्स के टाइम ज्यादा तेज दर्द होता है तो आप इन तरीकों को जरूर अपनाएं, जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। इससे पहले मैं चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली न्यू वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलती रहे। पीरियड्स के दर्द में आराम पाने का पहला उपाय है अदरक। पीरियड्स के दर्द में अदरक का सेवन करने से आपको तुरंत आराम मिल सकता है। इसके इस्तेमाल के लिए आप अदरक के टुकड़ों को एक कप पानी में डालकर उबाल लें। दिन में 3 बार खाना खाने के बाद इसका सेवन करें, या फिर आप अदरक के टुकड़े को ऐसे ही चबाकर खा सकती हैं। इससे आपको दर्द में काफी आराम मिलेगा। पीरियड्स के दर्द में आराम पाने का दूसरा उपाय है तुलसी। तुलसी एक नेचुरल पेनकिलर होती है जो आपके पीरियड्स के दर्द को कम करने में मदद करती है। पीरियड्स के दर्द में आराम पाने के लिए आप चाय में तुलसी के पत्तों को मिलाकर पी सकती हैं। इसके अलावा आप तुलसी के 7 से 8 पत्तों को 1 कप पानी में डालकर उबालें और फिर छानकर इसका सेवन करें। इसके इस्तेमाल से आपको पीरियड्स के दर्द में काफी राहत मिलेगी। पीरियड्स के दर्द में राहत पाने का तीसरा उपाय है जीरा और हल्दी का काढ़ा। पीरियड्स के दौरान पेट और कमर के दर्द को कम करने के लिए आप काढ़ा बनाकर पी सकती हैं। इसके लिए आप 1 गिलास पानी को उबालकर इसमें 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच हल्दी मिलाकर इसे तब तक उबालें जब तक कि यह गाढ़ा ना हो जाए। अब इस 1 कप काढ़े का सेवन करें। इसे दिन में 2 बार पीने से दर्द में आराम मिलता है। पीरियड्स के दर्द को कम करने का चौथा उपाय है दालचीनी। दालचीनी में कैल्शियम, आयरन और फाइबर की मात्रा होती है। इसके साथ ही इसमें कई ऐसे गुण होते हैं जो पीरियड्स के टाइम सूजन और पेट में होने वाले दर्द में राहत दिलाते हैं। पीरियड्स के दर्द में आराम पाने के लिए आप 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच दालचीनी पाउडर और 1 चम्मच शहद मिलाकर इसका सेवन करें। इसे आप पीरियड्स के पहले दिन में 2 से 3 बार पीते हैं तो यह काफी फायदेमंद हो सकता है। पीरियड्स के दर्द में आराम पाने का आखिरी 5वां उपाय है हर्बल टी। हर्बल टी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो पीरियड्स के टाइम मांसपेशियों के खिंचाव और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। हर्बल टी बनाने के लिए आप 1 कप पानी में 5 ग्राम अदरक, 5 लौंग और 5 छोटी इलायची मिलाकर 3 से 4 मिनट तक उबालें। उबलने के बाद इसे छानकर 1 कप में डाल लें। आप इसमें स्वाद के लिए 1/2 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। दिन में इसका 1 बार सेवन करें, आपको पीरियड्स के दर्द में काफी आराम मिलेगा। तो ये थे कुछ उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपने पीरियड्स के दर्द में आराम पा सकते हैं। इसी तरह की और भी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।